हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10th और 12th के टाइम टेबल के कंप्लीट शेड्यूल के बारे में, कि किस दिन आपका किस डेट को कौन सा पेपर है, टाइमिंग क्या रहेगी आपकी, क्लास 10th की अलग टाइमिंग है और 12th की अलग टाइमिंग है कि एक साथ है। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, उससे पहले आप कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। तो देखो, आपको जो परीक्षा है ना, परीक्षा सेंटर, वहाँ पर आपको जो है तकरीबन 15 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। और कोविड-19 की जो सावधानियाँ हैं उसको बरत के चलना है, ठीक है। और यदि आप देखें इसमें कि जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएँ होंगी, नहीं जो प्रैक्टिकल होंगे आपके, उसी दौरान हो जाएंगे जब आपकी परीक्षाएँ चलेंगी, ठीक है, उसी के मध्य में, ओके। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कब आपको जो है एग्ज़ाम उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, कब आपको जो है प्रश्न पत्र दिया जाएगा, किस समय पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा वो 80 नंबर का होगा, और लेकिन जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो 100 में से ही कैलकुलेट होगी, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं आपका टाइम टेबल। तो देखिए बच्चों, यह जो टाइम टेबल है कक्षा 10वीं का है, ठीक है। कक्षा 10वीं वालों के लिए जो परीक्षाएँ हैं वो 9 से 10, 11, 12 तीन घंटे की परीक्षा आयोजित की जाएगी आपको, ठीक है। सबसे पहला आपका 1 मार्च को पेपर होगा, वो भी हिंदी का, ओके। तो 1 मार्च को आपका हिंदी का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपको देखो 3 तारीख को है आपका उर्दू का, 7 तारीख को है, 7 मार्च का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, फिर 11 तारीख को है, यहाँ पर डेस परीक्षा का दिन भी दिया गया है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, गणित का है। फिर इसके बाद फिर 14 तारीख को संस्कृत का है, 17 तारीख को अंग्रेजी का, फिर आपका विज्ञान का है, ठीक है। उसके बाद जो है अन्य जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जिनके पास, उनके पास यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका भी हो सब्जेक्ट वहाँ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग अच्छे से चेक कर लें और आपको दिनांक भी अच्छे से चेक करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्लास 12th के बच्चों के लिए बात करें, तो जो इंस्ट्रक्शन आपको क्लास 10th में दिए गए थे वही सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, ठीक है, कि परीक्षा सेंटर पे आपको 15 मिनट पहले ही पहुँच जाना है, ओके। देखिए यहाँ पर जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 2 मार्च से शुरू हो रही हैं, क्लास 10th वालों की 1 मार्च से शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर दिन दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है दिनांक दी गई है। टाइमिंग में बताऊँ तो 9 से 12 एज वेल एज जैसा 10th क्लास में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपका पेपर जो है 2 तारीख को हिंदी का है, और हिंदी सबका है, चाहे कुछ किसी भी स्ट्रीम का हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है वोकेशनल छात्रों सहित, तो वोकेशनल स्ट्रीम जो लिए हैं क्लास 12th में, यानी जो टाइपराइटर पर जो टाइपिंग करते हैं, तो उनका सहित उनको उनका भी जो है इसी दिन हिंदी का है। और दूसरा जो है आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, वो भी 4 तारीख को शनिवार को, है ना, एक दिन का गैप मिला हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम है वोकेशनल के छात्रों सहित, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सोमवार को यानी 6 तारीख को जो है आपका फिजिक्स का है, जिसके पास जिसने फिजिक्स ली है, ठीक है, जिसके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसके पास इकोनॉमिक्स है यानी जो बीए या बीकॉम के छात्र हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का जो, और जो प्रथम वर्ष वोकेशनल कोर्स जो है जिनके पास वो है, ठीक है, तो आपका जो सोमवार को इसका एग्ज़ाम है। फिर आपके पास जिनका बायोलॉजी है उसका बायोलॉजी को शुक्रवार 10 तारीख को एग्ज़ाम है। इसके बाद जो है आपका म्यूजिक का और बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक है, सोमवार को 13 तारीख को। फिर आपका राजनीतिक शास्त्र यानी बीए वालों का है, ठीक है, वोकेशनल स्ट्रीम वालों का भी है। इसके बाद हम चलेंगे 18 तारीख को, तो केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री, ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन बीकॉम बीए और साइंस वालों का एक दिन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 21 तारीख को है, मंगलवार को, ठीक है, मैथमेटिक्स का। शुक्रवार को जो है समाजशास्त्र बीए वालों का है, मनोविज्ञान बीए वालों का है, कृषि कृषि वालों का है, होम साइंस वालों का है, ठीक है, ध्यान रखें 24 तारीख को शुक्रवार को। इसके बाद 27 तारीख को आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक है, आईपी का एग्ज़ाम है। इसके बाद बीए वालों का भूगोल का है, कब, 28 तारीख को, ठीक है, भूगोल क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि कृषि वालों का है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 29 तारीख को उर्दू और मराठी जो एडिशनल सब्जेक्ट है जिनके पास हैं उनका है। और सबसे आखिरी में जो 1/4 यानी 1 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है वो है संस्कृत का, ठीक है, सबसे आखिरी। और यहाँ 31 तारीख को आप देख सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, शारीरिक शिक्षा वाले, उनका भी 31 तारीख को एग्ज़ाम है। इस तरह से आपके 10th और 12th का मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। और भी अन्य जानकारियों के लिए वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है बच्चों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।